मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में अनेक गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें होशंगाबाद में बेटियों को उनके परिवार के प्रमुख सदस्य के रूप में पहचान दिए जाने का कार्य किया गया। बेटियों की बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए संचालित गतिविधियों में प्रशासन, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित समाज सेवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया गया। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अवार्ड हेतु तत्कालीन होशंगाबाद कलेक्टर एवं वर्तमान मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास का चयन किया गया। देश के 723 जिलों में उत्कृष्ट कार्य हेतु 25 जिलों को चुना गया। इनमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद को भी शामिल किया गया, जिसमें उन्हें गुरुवार को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये अवार्ड जो है होशंगाबाद जिले में काम करने की वजह से मिल रहा है, और उस जिले में हम लोगों ने बहुत समन्वय के साथ समाज को साथ में जोड़ते हुए, धार्मिक गुरुओं को साथ में जोड़ते हुए, जनप्रतिनिधि, मीडिया सबके साथ हम लोगों ने एक जन आंदोलन टाइप बनाया था, जिसमें हम बेटियों को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात करते थे। चाहे वो सिंपल नर्मदा आरती के लिए हो, चाहे स्पोर्ट्स में हमारी दो बेटियाँ जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हर्षिका तोमर और आराध्या एशियाड तक गई थी, उन बच्चियों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, डॉटर्स क्लब का क्रिएशन करना, मतलब ऐसे माता पिताओं को सम्मानित करना जो आज की डेट में जब भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए उसका उदाहरण देते हुए सिर्फ बेटियों के माता पिता हैं, उनका हौसला अफजाही करना। एक हम लोगों ने किया था कि बिटिया घर की पहचान, ऐसे इटारसी में हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने घर का नेम प्लेट अपनी बिटिया के नाम से लगाया था। यूजुअली यही होता है कि घर के पुरुष के नाम से घर का नाम होता है, या पुरुष के साथ साथ बाकी लोगों का नाम रहता है। वहां पे हम लोगों ने ये पहल की कि अगर मोहल्ले को पहचाना जाएगा या घर को पहचाना जाएगा, वो बिटिया के नाम से पहचाना जाएगा। तो इस प्रकार की अलग अलग योजनाओं के थ्रू हम लोगों ने कोशिश किया था कि हर क्षेत्र में बिटिया को जो है बढ़ावा मिले और वो बेटी जो है आगे बढ़ पाए। आप अब मुरैना मुरैना के लिए रणनीति अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति अलग है। मुरैना होशंगाबाद से काफी विषम परिस्थिति में है लिंगानुपात की अगर हम बात करें, और जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमने ये पाया था कि पिछले साल की तुलना में यहाँ पे गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बजाय हम और दिक्कतों में पहुंच गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि बेटी के जन्म के लिए जो बाधाएं होती है, चाहे वो सामाजिक हो, क्योंकि सोच परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होता है, जो बेटियों को आगे बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उसका अगर सही क्रियान्वयन होता है, तो कहीं ना कहीं हम उस मानसिकता के विरुद्ध जो है कारगर कार्यवाही कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मुरैना के लिए भी एक प्लान बनाया है, और ये प्लान दोनों तरफ से होगा, क्योंकि हमें कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन भी लेना पड़ेगा, चाहे वो पीसीपीएनडीटी एक्ट की हम बात करें, जब भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक अलग एंगल से काम करना पड़ेगा, सोच परिवर्तन के लिए एक अलग एंगल से काम करना पड़ेगा। नरसिंहगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह, इस दौरान मारुति नंदन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज उनकी राजगढ़ में जिला समिति की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ के कर्ज माफी का जो आदेश दिया है उनकी हम समीक्षा करेंगे, एवं कांग्रेस पार्टी के जो वचन है उसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इस दौरान पूर्व नपा अध्यक्ष गोपाल दास महेश्वरी, नगर अध्यक्ष नुबीन खान, भूपेश भंडारी, मनोज महावर आदि कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा आगमन नरसिंहगढ़ में हुआ है, और इसके बाद सीधा राजगढ़ में हमारी जिला समिति की मीटिंग भी है। और मूल बात यह है कि अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफी का जो आदेश दिया है उसकी हम समीक्षा करेंगे, और भी जो अन्य विकास कार्य क्षेत्र में जिले में हो रहे हैं उसकी भी पूरा उसकी भी डिटेल्स देंगे। और मूल बात यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के वचन है वो हम जल्द से पूरा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, किसानों के, युवाओं के लिए नई नीतियां बना रहे हैं और सबका सतत विकास कर रहे हैं। थैंक यू। भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर कांग्रेस के टिकट पर भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गौर को पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि इस बारे में गौर का कहना है कि उन्होंने दिग्विजय से सिर्फ इतना ही कहा कि वे विचार करेंगे, इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल गौर के मुताबिक दिग्विजय 18 जनवरी को उनके घर भोजन करने आए थे,
उस दौरान मुझसे कहा कि भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। मैंने उनसे इतना ही कहा कि मैं इस बारे में विचार करूंगा। छह श्यामला हिल्स के जिस बंगले में 13 साल तक शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री रहे, उस बंगले में प्रवेश करने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इंटीरियर फर्नीचर और तमाम निर्माण कार्यों के साथ ही मुख्यमंत्री का कक्ष और अन्य लोगों के कैबिन भी बनाए जा रहे हैं। एक लिफ्ट भी बनाई जा रही है ताकि प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। पीडब्ल्यूडी ने श्यामला हिल्स को कॉपरेटिव लुक देने के लिए वास्तुविदों से 1 फरवरी 2019 तक प्रपोजल मांग लिया है। सीएम खुद प्रेजेंटेशन देखेंगे और पसंद आने के बाद काम भी लागत तय की जाएगी। दिग्विजय सिंह सरकार के 2003 में जाने के बाद भाजपा सरकार की नई मुख्यमंत्री बनी उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और 2005 में शिवराज सिंह चौहान इस बंगले में रह रहे थे। इस दौरान मामूली बदलाव हुए, लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नया काम होगा। इसी के बाद कमलनाथ श्यामला हिल्स में प्रवेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 650 करोड़ रुपए की लागत से वल्लभ भवन में एनएक्सी का निर्माण कराया था, जिसमें नया मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया है। बालाघाट से उकवा 35 किलोमीटर का लंबा मार्ग है जो बैहर भी जाता है। यह मार्ग नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 6 और 13 जनवरी की रात अज्ञात लोगों के द्वारा इस मार्ग में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लूटने का सफल प्रयास भी हुआ है। बताया जाता है कि लुटेरों के हाथों में बंदूक, डंडा और मुंह में नकाब बंधा रहता है और स्वयं को नक्सली बताकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शिकायत राहगीरों ने रूपझर और भरवेली थाने में की है। बहरहाल अभी भी इस मार्ग पर रात्रि के समय आवागमन करते समय राहगीरों में दहशत व्याप्त है। चूंकि बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है, इसलिए भी ऐसी लूट की घटनाओं से रात्रि में आवागमन करने वाले राहगीरों में दहशत बढ़ गई है। हालांकि बालाघाट पुलिस अब इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बकायदा रात के वक्त पुलिस इस मार्ग में गश्त भी कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लेगी। चले बस लूट हुई है, ऊपर सुनने में मिला, हमको पता नहीं था। बाकी फिर एक बंजारे भैया ने बताया कि हाँ सही बात है, मोरबिंदी में हुई है चोरी। बता रहे थे पैसे चोरी हुई है 10-12 हजार रुपए। टी शर्ट पहन हुए थे, नकाब बांधे हुए थे, हाथ में डंडा थे दो लोगों के। टी शर्ट पहने हुए थे, टी शर्ट जीन्स लोअर कोट टोपे। तो क्या गाड़ी को रोकते है, रस्ते में रोकते है? रोकते हैं, रुकते और क्या हाथ में डंडा भी मारते कि पत्थर ही मारते, ऐसा कुछ करते? पत्थर अच्छा तो पता नहीं, डंडा जरूर मारते हैं, रोकते हैं गाड़ी को, चमकाते हैं। क्या लगता है कौन लोग होंगे इधर आस पास के? होंगे कौन होंगे, नक्सली तो होंगे नहीं, नक्सली होते तो रोज करते। देखिए 6 जनवरी की रात के दरमियान लगभग 11:30 बजे के आसपास की बात है, कुछ अज्ञात युवकों द्वारा नक्सली बताकर कुछ राहगीरों को रोककर पैसे वसूली की गई थी, लूट की घटना की गई थी। उस पर से अपराध क्रमांक 9-19 थाना रूपझर में पंजीबद्ध किया गया था। उसके पश्चात एक घटना 13 तारीख के दरमियान रात को भी हुई थी, उसमें भी एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था और कुछ ट्रक वालों से पैसे लूटे गए थे, ऐसा उसमें बताया गया था। उसमें भी नक्सलियों का हवाला दिया गया था कि नक्सली बन के वो लूटे हैं, तो उसमें भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। फिलहाल दोनों ही मामले थाना रूपझर में विवेचना में है और अभी तक जो घटना हुई उसमें भी नक्सली के द्वारा यह घटना कारित की गई है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। नक्सलियों की आड़ में कुछ युवक जो है इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे, जल्द ही आरोपियों को पकड़कर पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।